करने के लिए तो पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना भी पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल लेना पड़ेगा। ये जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये तीनों वर्ड के बारे में हमको समझना पड़ेगा। थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ाई करेंगे रिलेटेड टू एसिड, बेस एंड सॉल्ट के हिसाब से होगा। तो फर्स्ट पहले हम लोग को एसिड के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है, देन बेस, देन सॉल्ट के बारे में हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना है। नाउ कम्स टू द फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स। तो एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि चैप्टर में ओवरऑल हमको स्टडी क्या करना है। तो पहले हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट है इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट इसे यूजेस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं फिजिकल, केमिकल एंड यूजेस इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। व्हाट इट मीन बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मीन्स इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है कि एसिड चीज क्या है, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। सपोज आई जस्ट टेक द एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक बीकर लूंगा एंड टेक सम लिक्विड। अगर मैं आप लोगों को उस बीकर के लिक्विड कंटेंट को बताऊंगा कि जस्ट आइडेंटिफाई दैट इज एसिड, बेस और सॉल्ट, देन हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस विल बी एसिड, बेस और सॉल्ट। तो वो चीज इसके लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा जिसको कहा जाता है फिजिकल। तो फिजिकल मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द सब्सटेंस विल बी एसिड, बेस और सॉल्ट, वो हम लोग जानेंगे। एग्जैक्टली सेम वे तो एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई करेंगे, बेस के भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई करेंगे, एंड द सेम वे सॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज मीन बाय द केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हम ये जानेंगे व्हाट टू फॉर्म, यानी कि हम लोगों को क्या मिलेगा। जैसे एसिड है तो एसिड के साथ हम क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, द सेम वे बेस, द सेम वे सॉल्ट भी रहेगा, क्या मिलेगा इन द सेंस मीन्स। सपोज हम एसिड के साथ एक्स रिएक्ट करते हैं कि वाई रिएक्ट करते हैं कि जेड रिएक्ट करते हैं, तो उसमें से प्रोडक्ट हमको बायफॉर्गेट क्या मिलेगा उसके बारे में भी जानेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझना है। सो नाउ फर्स्ट कम टू लेट द एक्सप्लेन अबाउट दैट एसिड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वी जस्ट आइडेंटिफाई दैट हाउ द सब्सटेंस शुड बी नो अबाउट कि द सब्सटेंस शुड बी एसिड, बेस और सॉल्ट। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज सोर इन टेस्ट। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी चैप्टर्स में कंटेंट को आप जाओ, कुछ साइंस में कुछ कीवर्ड्स होता है, तो वो कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक कुछ भी आप स्टडी करते हो ना, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज जस्ट चैप्टर नंबर 2, जब चैप्टर नंबर 2 में वर्कशीट या काफी सारे कंटेंट पढ़ोगे उसमें से थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो कुछ चीजें के बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी कि कुछ कीवर्ड्स, उस कीवर्ड्स को आप ध्यान रखोगे तो जाकर आपको हर एक कंटेंट के बारे में पता चलेगा। बट इट्स नॉट पॉसिबल डैट टू लर्न ऑल द थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस, उसको तो हम लर्न नहीं कर सकते जो क्वेश्चन आंसर होगा, इसलिए कुछ कीवर्ड्स को आप ध्यान रखोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। सो फर्स्ट, इट इज सोरियम टेस्ट। व्हाट इट मीन बाय सोरियम टेस्ट। सोर यानी कि खट्टापन होता है, यानी कि दुनिया में जितने सारे चीजें हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, ये जितने सारे चीजें हैं, ये सभी हम लोग को एज ए टेस्ट तरीके से खट्टापन होता है। तो दैट मीन्स सोर टेस्ट मीन्स ये चीज हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हुआ कि इट इज एसिड। लेमन की बात कर रहे हैं, टोमेटो की बात कर रहे हैं, वो सब खट्टापन होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एसिड के परसेंटेज प्रेजेंट होते हैं एंड अलग अलग होता है। जैसे कि टोमेटो एंड लेमन बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं, इसलिए दोनों के अंदर एसिड भी सेम नहीं होगा। काफी सारे अलग अलग एसिड कंटेंट उसमें अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। लेकिन अभी फिजिकल की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हम जानना है कि सोर टेस्ट, सोर यानी कि खट्टा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड चीज होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। तो आपको फाइव थिंग शायद यहाँ पे एक लिटमस पेपर के बारे में आपको माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक होगा, व्हाट डू यू मीन बाय लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक केमिकल पेपर है, उस चीज को बनाया जाता है जिसके हेल्प या जिसके जरिए से हम केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसके जरिए से हमको पता चलता है कि दैट सब्सटेंस ऑफ एन एसिड और बेस के बारे में हमको आइडेंटिफिकेशन होगा। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज हम लोग जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जब कोई डेंटिस्ट अगर जो टीथ की जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मार्क करना, कभी आप जाओगे या फिर कोई आपके फैमिली मेंबर्स रिलेटिव होंगे तो आप उनसे पूछना। वो लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक लिटमस पेपर होता है,
उस लिटमस पेपर को आपके माउथ यानी टीथ के पास वो रखते हैं और चेक करते हैं कि आपके जो माउथ की जो प्रॉपर्टीज दैट मीन जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स या कोई भी डेंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि आपका इन्फेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुआ है। तो उसी तरीके से तो उस चीज को वो आइडेंटिफिकेशन करके देन आफ्टर फर्दर स्टेप्स डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसी हिसाब से मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहता हूं। लिटमस मीन्स एक केमिकल, एक पेपर होता है जिसके कलर्स हमेशा चेंजेस होता है। कैसे ना, केमिकल सब्सटेंस के हिसाब से। सपोज अगर एसिड होगा, अगर एसिड की कोई भी केमिकल सॉल्यूशन या केमिकल सब्सटेंस है, अगर उसमें लिटमस पेपर को अगर हम डिप करते हैं, जैसे नॉर्मल एक सिंपल पेपर होता है उसी तरीके से लिटमस पेपर भी आता है, तो जैसे हम डिप करेंगे उसका कलर सडनली रेड में चेंज हो जाएगा। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि ब्लू टू रेड, यानी ब्लू लो या कलर लेस लो तो सिंपल वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज इट टर्न टू रेड, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे दैट सब्सटेंस शुड बी एसिड। ये था सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसे एक एसिड सब्सटेंस को हमको आइडेंटिफाई करना है। नाउ लेट्स कम्स टू द थर्ड पॉइंट, एसिड व्हिच पीएच वैल्यू 0 to 6.9। आई थिंक सो यहां पे भी कीवर्ड है पीएच वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय पीएच वैल्यू, ये भी कीवर्ड है। पीएच के बारे में इस चैप्टर में हम लोग काफी हेड डीप कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। जस्ट पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पीएच वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, यानी कि एक पीएच वैल्यू एक पीएच स्केल के जरिए से मेजर किया जाता है। इसके जो टॉपिक है काफी बड़ा एक लेंथी टॉपिक, हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो कंटेंट में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर दिया गया है। जस्ट अभी खाली आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड सब्सटेंस होता है दैट द पीएच वैल्यू इज 0 to 6.9। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जिसका भी कोई भी सोल्यूशन सब्सटेंस होता है दैट द इफ द पीएच वैल्यू इज 0 to 6.9 दैट इज नोन एज एसिड। तो उस चीज को हम एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन नेक्स्ट पॉइंट द इट कंटेन द एच प्लस आयन, व्हाट इट मीन बाय एच प्लस आयन, एच प्लस आयन मीन जिस चीज को बोलते हैं कि जितने सारे एसिड सब्सटेंस होते हैं वो एसिड में खास करके एक एच प्लस आयन कंटेंट होता है। दैट मीन्स वो नीड टू बी ब्रेक डाउन, कोई भी एक केमिकल कॉम्पाउंड हम लेते हैं अगर उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं अगर वो आयन फॉर्मेशन करता है तो इट शुड बी गिव अस द एच प्लस आयन, वो हम लोगों को H प्लस आयन देता है। तो ये भी एक हेल्प होगा जिसके जरिए से हम जान सकते हैं हाँ ये एक एसिड कंटेंट होगा। द नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रोनस्टीन एंड लूरी, लिसन स्टूडेंट्स, ब्रोनस्टीन लूरी दो साइंटिस्ट हैं, एक ब्रोनस्टेड है और एक मार्टिन लूरी है, जो ये दो साइंटिस्ट दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी उन्होंने बनाया, यानी एक एसिड के बारे में उन्होंने कंसेप्ट दिया और उन्होंने हम लोग को बताने की कोशिश की कि कैसे हमको एसिड पता चलेगा। हर एक साइंटिस्ट अपना अपना अलग 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 ओपिनियन होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी है जैसे कि एरेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक कंसेप्ट के बारे में बताया, उस तरीके से यहां पे भी है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रोनस्टीन एंड लूरी दोनों ने मिलकर एक थ्योरी के बारे में बताया था, इसीलिए इन दोनों के नाम के हिसाब से एक सिंगल थ्योरी रख दिया गया ब्रोनस्टीन लूरी। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एक शॉर्टकट की ले सकते हैं B for Bronsted and L for Lurie, BL method. तो इससे भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रोनस्टेड लूरी थ्योरी, तो ये साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर एसिड के बारे में क्या कहा ना, द केमिकल कंपाउंड व्हिच डोनेट ए प्रोटॉन, प्रोटॉन मींस H प्लस आयन, ये ध्यान रखना है, प्रोटॉन इज अ कीवर्ड, मैंने कहा ना कुछ कुछ कीवर्ड्स हो तो उसको आपको मेमोराइज करना रहेगा एंड उस चीज को आप कंटेंट लिखोगे तो आप बेटर यानी कि आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ब्रोनस्टेड लूरी उन्होंने थ्योरी में क्या कहा ना, द केमिकल कंपाउंड व्हिच डोनेट ए प्रोटॉन, डोनेट मींस गिव यानी लूज, जिसको डोनेट हम बोल सकते हैं साइंटिफिक वर्ड में लूज करना, लूज मतलब दैट मींस यहां पे आयन वो दूसरे एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट को वो देते हैं। तो इसी हिसाब से ब्रोनस्टेड एंड लूरी के हिसाब से केमिकल कंपाउंड व्हिच डोनेट, डोनेट मींस लूज यानी कि देना, जब कोई प्रोटोन अगर देते हैं तो उनको कहा जाता है एसिड। इसलिए मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है कि एग्जांपल तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गॉट इट, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर इस चीज को हम डीकंपोज करते हैं अगर आयन फॉर्मेशन करते हैं देन इट शुड बी फॉर्म H प्लस एंड Cl माइनस। H प्लस मींस लुक हियर, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट कंटेन H प्लस आयन, लुक हियर दिस पॉइंट। तो यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि जो H प्लस आयन देता है तो इसका मतलब यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम डीकंपोज करते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है और Cl माइनस दे रहा है, तो H प्लस आयन मीन्स हम लोग कंफर्म हो गए कि हाँ ये एसिड है, कटिंग। एंड द लास्ट पॉइंट
तो पॉजिटिव आयन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एसिड, यानी कोई भी अगर एसिड होता है तो एक नॉर्मली तौर पर हम लोग को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आयन होता है तो उस चीज को हम आइडेंटिफिकेशन तरीके से जान सकते हैं कि हाँ ये एसिड है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये जैसे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में कंटेंट पढ़ा है कि नाउ सेकेंड नेक्स्ट टू बेस के बारे में हम जानेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द बेस। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जैसे अभी राइट नाउ हम लोगों ने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, द सेम वे बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस, यानी बेस को कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है उस तरीके से हम लोग को जानना है। बट यहाँ पे जो मैंने कंटेंट आप लोगों को लिखा हुआ है तो देखो एज ए कंपेयर एज ए प्रॉपर्टीज तरीके से मैंने लिखा हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, यानी इंसर्ट इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका एसिड का अल्टरनेट पार्ट होता है कि बेस। तो इसलिए पॉइंट्स अगर यहां पे मैंने लिखा है इट इज अ सोडियम टेस्ट, लुक हियर यहां पे लिखा हुआ है बिटरिंग टेस्ट, तो अगर एक एसिड को प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो बेस ऑटोमेटिकली आप लोगों को धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा। तो इसीलिए उसी तरीके से फर्स्ट हमको यहां पे जानना है ना, लुक हियर फर्स्ट पॉइंट इट इज बिटरिंग टेस्ट। बिटर टेस्ट मीन्स हम यहां पर बोल सकते हैं कि बेसिक तौर पर कड़वा होता है, जैसे एसिड में खट्टापन होता है उसी तरीके से बिटर यानी कड़वा होता है। जैसे हम बात करते हैं काफी टाइम हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन भी कड़वाट होता है, तो इसका मतलब उसमें भी बेस है। जैसे करेला होता है तो वो भी कड़वा होता है तो उसमें भी बेस होता है। इसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में काफी सारे हैं जो केमिकल और बेसिक तौर पर ऑर्गेनिक बेस के हिसाब से हम देख सकते हैं, वो सब अगर बिटर टेस्ट होगा यानी कि कड़वा होता है। तो इस तरीके से हमको ऑल्टरनेट पॉइंट के हिसाब से हम लिखेंगे तो इजिली याद रहेगा। Now comes to the next point, it is the convert red litmus paper. Look here, ये क्या करेगा ना, red litmus paper convert to blue. Insert इसका meaning ये हुआ कि जो base है, look here the point, alternate का आपको ध्यान रखना है, जैसे यहां पर blue को red में convert कर रहा है, the same way यहां पर red to blue. Means जो base होगा, मैंने कहा acid का alternate part होगा. Litmus paper, I've already told you that means a chemical paper होता है, जो ये रेड कलर को अगर सैम लिटमस पेपर को अगर बेस में हम डिप करेंगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो इंसर्ट हम लोग को इतना ध्यान में आना चाहिए, इतना पता चलना चाहिए कि जो बेस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कम्स टू द थर्ड पॉइंट, बेस कुछ पीएच वैल्यू इज 7.1 to 14, जैसे एसिड में था 0 to 6.9 एंड हियर 7.1 to 14। तो जो भी सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड होगा अगर सपोज टू इस पीएच वैल्यू 7.1 to 14 होता है तो उस चीज को हम बेस बोलते हैं। तो शायद आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाएगा, सर 14 के बाद क्या और नहीं है या जीरो के पहले क्या नहीं है? है, बट इसके बारे में हम जानेंगे आगे, जैसे पीएच स्केल होता है उस टॉपिक के अंदर में इसके डिटेल्स कंटेंट आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कुछ कंसेप्ट खाली हमको ध्यान रखना है, इज द बेस व्हिच पीएच वैल्यू इज 7.1 to 14। आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, सर आपने तो यहाँ पे बताया कि जो एसिड सब्सटेंस 0 to 6.9 एंड द बेस व्हिच इज द 7.1 to 14, तो राइट नाउ यहाँ पे मिड में 7 नंबर कहाँ गया? आई थिंक सो आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो यहाँ पे रेंज बताया 0 to 6.9 एंड 7.1 to 14, 0 to 6.9 मीन्स एसिड एंड 7.1 to 14 मीन्स बेस, तो 7 कहाँ गया? तो 7 मीन्स व्हिच इज नोन इज न्यूट्रल, इस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नाइदर एसिड नॉर बेस, ना वो एसिड है ना वो बेस है। एग्जाम्पल लाइक वाटर, पानी, तो वाटर एक ऐसी चीज है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि ऐसा हम एग्जाम्पल पर्टिकुलर हम वाटर नहीं बोल सकते हैं, यानी कि जिस सिंपल हमको ध्यान रखना है कि जो द सब्सटेंस व्हिच द पीएच वैल्यू इज 7 मींस न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नाइदर एसिड नॉर बेस, ना वो उसके अंदर एसिड कंटेंट होगा ना उसके अंदर बेस कंटेंट होगा। तो इस चीज के हिसाब से हमको ध्यान रखना है, और ये चीज छोटी छोटी चीजें से आपको ध्यान रखो, बिकॉज आपके एग्जाम्स में कभी कभार मैंने कहा ना फर्स्ट जो साइंटिफिक और कुछ कीवर्ड्स होते हैं उस चीज को ध्यान रख इसलिए रखना है, वो कभी एमसीक्यू या फिलअप्स कभी कभी ट्रू फॉल्स तरीके से भी आ सकता है। तो 7 मींस व्हिच इज नॉट बैड दैट न्यूट्रल, उस चीज को कहा जाता है। एंड ये जो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है हम लोग सॉल्ट के जब हम लोग स्टार्टअप करेंगे टॉपिक उसके अंदर इसका डिटेल्स कंटेंट पढ़ाई करेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेंट ओएच माइनस आयन। लिसन, एसिड कंटेंट एच प्लस आयन, द सेम वे ओएच कंटेंट दैट मींस बेस कंटेंट ओएच आयन,
तो इसका मीनिंग ये समझ में आया कि जो H प्लस आयन अगर कंटेंट होता है, H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, दैट इज एसिड. द सेम वे इन द बेस विच माइनस आयन इज प्रेजेंट, यानी जो भी सब्सटेंस होते हैं. बट ये चीज ध्यान रखो, यानी हर एक दुनिया में जितने भी सारे एसिड यानी सॉरी बेस है, वो हर एक बेस में वो ही चीज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, जस्ट फॉर एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग को जानना है कि दस केमिकल सब्सटेंसेस कंपाउंड विच कंटेंट वो इच माइनस आयन इज नोन एज बेस. बट बहुत सारे ऐसे भी एसिड हैं और बहुत सारे ऐसे भी बेस हैं जिसमें दैट मीन्स वो इच माइनस आयन भी नहीं होता है, उसमें एच प्लस आयन भी नहीं होता है. जस्ट फॉर मैं एग्जाम्पल यहां पे देना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि जिसमें वो इच माइनस आयन होगा वो बेस होगा, बट एमोनिया एनएच थ्री, ये एमोनिया कैसे कंपाउंड है, उसमें तो कोई OH है ही नहीं यहाँ पे, फिर भी उस चीज को बेस कहा जाता है. इसमें काफी सारे यानी कि अगर उसमें हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि वो एक बेस है. इसी तरीके से एक्सेप्शनल केस में बहुत कुछ चीजें से उसके बारे में हम जानेंगे, दैट मीन्स और भी कंटेंट आगे धीरे धीरे जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बारे में हम जानेंगे. सो नाउ नेक्स्ट टू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रोंस्टेड लुरी थ्योरी, जैसे मैंने आपको एसिड के बारे में बताया, तो यहाँ पे वही ब्रोंस्टेड लुरी, उन्होंने बेस के बारे में भी यहाँ पे कहा कि द केमिकल कंपाउंड व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन. लुक हियर कीवर्ड्स, हियर इन द एसिड केसेस द डोनेट, डोनेट मींस देना, लूज. द सेम वे एसेट, एसेट मींस लेना, दैट मींस गेन. जैसे ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी इन द स्टडी स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा होगा गेन एंड लूज, उसी हिसाब से अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड एसेप्ट करता है, एसेप्ट मतलब लेना यानी कि गेन करना, तो गेन करना मींस क्या होगा, दैट इज नेगेटिव, ऑलरेडी हमको पता ही है. तो इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लुरी थ्योरी द केमिकल कंपाउंड व्हिच एसेप्ट ए प्रोटॉन, जो भी प्रोटॉन को एसेप्ट करता है यानी कि वो गेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस. गॉट इट. जस्ट गिवन एग्जांपल मैंने यहां पे दिया हुआ है कि सपोज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड Na इज प्लस एंड OH इज माइनस आर, OH यानी NaOH के अंदर OH माइनस आ रहा है, तो which means the identification of base. तो इससे मतलब हमको समझ में आया कि NaOH sodium hydroxide is a base. Got it? And the last point, the negative ion is identification of base. मैं यहाँ पे negative ion को, जैसे मैंने acid में कहा कि यहाँ positive ion and here the base is the negative. Why I am the calling the negative? मैं negative ion क्यों बोल रहा हूँ? Because it's acid. Acid मतलब लेना. वो ले रहा है, gain कर रहा है, और gain means the negative ion. तो एक सिंपल मेथड डाल सकते हैं कि नेगेटिव आयन मतलब ये होगा कि एक बेस के आइडेंटिफिकेशन होता है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस के बारे में हमको आइडेंटिफिकेशन हुआ, पता चला कि एसिड बेस क्या है. तो ये था पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम लोगों को समझना पड़े और हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एसिड किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है और बेस कैसे आइडेंटिफाई करना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वन इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसी तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे. तो फर्स्ट पहले हम लोग ये जानना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. तो केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में आपको कहा कि केमिकल मीन्स व्हाट टू फॉर्म, क्या मिलेगा कि एसिड के साथ हम क्या रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा. इसमें काफी सारे हैं, अराउंड 6 इसमें रिएक्शंस दिए गए आपके टेक्स्ट बुक की रिगार्डिंग. हम हर एक कंटेंट को वन बाय वन धीरे धीरे कंटेंट करेंगे. तो कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल. फर्स्ट अगर सपोज एक एसिड है, अगर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्मेशन होगा. जस्ट मैंने यहां पर सिंपल तरीके से ध्यान रखने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक थ्योरी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है. इफ दैट एसिड प्लस मेटल, अगर एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो उससे फॉर्मेशन होगा सॉल्ट प्लस एंड H2. H2 मींस नोन एज अ डाइहाइड्रोजन गैस. डाई मीन्स टू मीन्स डाई एंड एच मीन्स हाइड्रोजन, इसको कहा जाएगा डाई हाइड्रोजन गैस. कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं बोलना है, ये थोड़ा कुछ सिली मिस्टेक होता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस चीज को डाई हाइड्रोजन का आपको बोलना है. सो यहाँ पे थ्योरी इस हिसाब से देख के हम लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड डाई हाइड्रोजन गैस. गॉट इट. सो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा. एग्जाम्पल सपोज आप HCl, that is hydrochloric acid, and hydrochloric acid when the react to the metal, metal means
Na, सोडियम मैंने लिया है कि एंड नाउ लिसन स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि मैंने यहां पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो दैट मींस वी हैव टू आल्सो बी टेक द एसिड. आप कोई भी एसिड ले सकते हो. सेम होता मेटल भी, आप यहां पे सोडियम है तो आप एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जरूरी नहीं कि फिक्स आपको एनए ही लेना है. सो यह HCl प्लस एनए दैट मीन्स केमिकली जब रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा. मैंने कहा कि इसमें सॉल्ट इन H2 फॉर्मेशन. लुक यू स्टूडेंट्स, काफी टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे तो हम इजीली लिखते हैं लेकिन प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है. सपोज मैं फर्स्ट रिएक्शंस बता रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा लेकिन चैप्टर के अंदर काफी सारे रिएक्शंस होंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करना. एक सिंपल एक ट्रिक्स ध्यान रखना है कि जब भी इसमें कंपाउंड लिखो इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करो. एच प्लस सीएल माइनस एंड एनए प्लस होता है. तो हमेशा ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन में अल्टरनेट चार्जेस यानी पॉजिटिव रिएक्ट टू द नेगेटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव, उसी तरीके से होता है. तो यहां पे क्या होगा, अगर सपोज Na प्लस है तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा, दैट मीन्स अट्रैक्टेड होगा माइनस के साथ, तो NaCl के साथ चला जाएगा. तो दैट शुड बी फॉर्म द NaCl. आ गया NaCl यानी सॉल्ट हमको मिल गया सोडियम क्लोराइड. देन उसी हिसाब से हमको पता है कि यहां पे डाइहाइड्रोजन गैस बनेगा तो आपने H2 लिख दिया. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये रिएक्शंस को भी हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको बैलेंस भी करना जरूरी है. अगर इफ इट विल नॉट बैलेंसिंग, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो पूरी तरीके से ये रॉन्ग हो जाएगा. तो बैलेंस सपोज यहां पे द प्रोडक्ट साइड H2 फॉर्म, H2 मींस डाई हाइड्रोजन. सपोज प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन है तो आपको रिएक्टेंट पर भी टू हाइड्रोजन करना पड़ेगा. जस्ट आई जस्ट पुट हियर द टू, जैसे मैंने यहां पे टू पुट किया, मैंने हाइड्रोजन तो यहां पे दो हो गया लेकिन क्लोरीन भी टू हो गया. तो सेम वे प्रोडक्ट में भी क्लोरीन टू करना है. एग्जैक्टली एज ए कंपेयर करें तो सोडियम भी टू हो रहा है तो जस्ट राइट हियर टू. तो ये बैलेंसिंग ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस. तो ये उसी तरीके से हमको यहां पे बैलेंसिंग करना है. तो दैट मीन्स फाइनली हमको क्या मिला, 2HCl प्लस 2Na टू फॉर्म 2NaCl प्लस H2, दैट मीन्स सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस. क्लियर, इस रिएक्शंस को आप लोगों को थ्योरी में लिखना है. थ्योरी इज वेरी इजी क्योंकि जो दिया गया उसी चीज को आपको देखकर बोलना है या देखकर लिखना है. कैसे यहां पे आप लिख सकते हो, जब HCl तो उसी तरीके से हम यहां पे बात कर सकते हैं व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ, इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल. दैट मीन्स सोडियम एक मेटल है, उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म, जिससे हमको क्या मिल रहा है, जैसे हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन है सॉल्ट एंड H2. सॉल्ट मीन्स कौन सा सॉल्ट है उसका तो नाम आपको बताना पड़ेगा. टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मीन्स कुछ द फॉर्मूला इज NaCl, तो ब्रैकेट में आप NaCl लिख सकते हो. सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट जो किचन सॉल्ट का आ जाता है, हम किचन में इस्तेमाल करते हैं. एंड विथ तो उसके साथ हम बोल सकते हैं एंड डाई हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहां पे डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा. क्लियर, इस चीज को आप लोगों को समझना है. एंड इसके बारे में फिर नेक्स्ट हम जाएंगे, जैसे एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऐसे नेक्स्ट आएगा फिर एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड. क्लियर, थैंक यू.